मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये निकाह नामा जो उन्होंने सादर किया है, इसके पहले जो भी डॉक्यूमेंट वो भेजते थे, मैं जब भी बोलती थी जो गलत है वो गलत है। आज मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसा, यस निकाह हुआ था, लेकिन समीर वानखेड़े ने लीगली अपना रिलीजन, अपना कास्ट कभी भी चेंज नहीं किया था। एक सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटी थी जो उनकी मदर इन मतलब उनकी मेरी मदर इन लॉ जो अभी नहीं है वो मुस्लिम थे, तो उनकी खुशी के लिए ये निकाह किया गया था। जो बर्थ सर्टिफिकेट बताया गया उसके बारे में क्या कहेंगी, वो सही है गलत है? ऑफकोर्स गलत है, क्योंकि ओरिजिनल तो हम दिखा चुके हैं ना, जिसमें लिखा है समीर ज्ञानदेव वानखेड़े और उनका रिलीजन हिंदू है। ये बहुत ही पर्सनल फोटोज हैं, एक पहली वाली जो उनकी एक्स वाइफ है उनकी भी इज्जत के लिए ये खराब है, मेरी भी इज्जत के लिए खराब है। ये जब मंत्री पद लेते हैं तब अपनी जो ओथ ली थी वो टोटली उसको जोपडाइज कर रहे हैं, अपना पूरा उसको आप एक मतलब आप उसको तोड़ रहे हैं, और ये चाहते हैं आप कि लोगों की निजी लाइफ पब्लिक हो जाए, तो ये आप टोटली आपकी ओथ के खिलाफ बिहेव कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। लीगली क्या उनके खिलाफ एक्शन आपकी तरफ से या कुछ लिया जाएगा? क्या जरूर लिया जाएगा, उनके खिलाफ FIR गोशीवरा पुलिस स्टेशन में फाइल हो चुकी है और उनके ऊपर लीगल कार्यवाही जरूर लेंगे वक्ताने। समीर वानखेड़े को इस कुर्सी से हटाने की जो उन्होंने पब्लिक घोषणा की थी, ये गुंडागर्दी जो उनकी चल रही है, ये टोटल गुंडागर्दी है। वो चाहते हैं कि इस कुर्सी पे वो ना रहे ताकि ये जांच नहीं चलती रहे और उनका दामाद जो है वो बेगुनाह होकर छूट जाए।